हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ आनंद और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हिंदू एडिटोरियल लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक है डिजास्ट्रस डिसीजन। डिजास्ट्रस का मतलब हम लोग से पहले समझ जाते हैं। डिजास्ट्रस डिजास्टर से बना है, यानी कि विनाश। यानी क्या कहते हैं? डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस यानी कि विनाशकारी, दुखद डिसीजन। डिसीजन जानते हैं क्या होता है? निर्णय। WHO, WHO का फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, मस्ट नॉट बी विक्टिमाइज्ड फॉर ट्रम्प्स ओन फेलियर्स इन बैटलिंग द वायरस। अब देखिए यहाँ कहना क्या चाह रहा है। विक्टिमाइज का क्या मतलब होता है ये जान लीजिए। विक्टिम का मतलब क्या होता है? शिकार या पीड़ित। ठीक है, तो WHO ये विक्टिम से ही ISE लग गया, तो वो अब वर्ब बन गया वो। ठीक है, तो WHO को जो है पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उसे सताया नहीं जाना चाहिए। किसके लिए? फॉर ट्रम्प्स ओन फेलियर्स, यानी ट्रम्प की अपनी विफलता के लिए। जो उसकी जो विफलता है किस चीज को लेकर है? इन बैटलिंग द वायरस, यानी कि वायरस। वायरस जानते ही हैं क्या हो रहा है, तो जो विषाणु से जो वो लड़ नहीं पा रहा है, वो उससे जो जूझ रहा है, उसमें जो असफलता उनको मिल रही है, उसको लेकर जो ट्रम्प की असफलताएं हैं उसको लेकर WHO को जो है विक्टिमाइज नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको सताया नहीं जाना चाहिए, उनको पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सीकिंग एटलीस्ट 675 मिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग फॉर क्रिटिकल रिस्पॉन्स एफर्ट्स इन कंट्रीज मोस्ट इन नीड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, US प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डन द अनथिंकेबल। अब देखिए ये अनथिंकेबल क्या है? हॉल्टिंग फंडिंग टू WHO वाइल अ रिव्यू इज कंडक्टेड टू असेस इट्स रोल इन सीवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस एंड फॉर फेलिंग टू एडिक्वेटली ऑब्टेन वेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट फैशन। अब देखिए इतना बड़ा वाक्य, इतना बड़ा वाक्य जो है आप अगर देखेंगे तो शुरुआत में तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन इसको अगर हम तोड़ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा वाक्य है। ठीक है, पढ़ते हैं। तो फिर एट ए टाइम, ऐसा समय में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जो है वो मांग कर रही है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 675 मिलियन डॉलर की। डॉलर कितना? 675 मिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग, अतिरिक्त फंडिंग। मतलब जितना फंडिंग तो होता है वो तो होता ही है, लेकिन एडिशनल फंडिंग की मांग है 675 मिलियन डॉलर की। ठीक है, वो मांग कर रही है। किसके लिए मांग कर रही है? फॉर क्रिटिकल रिस्पॉन्स एफर्ट्स इन कंट्रीज मोस्ट इन नीड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यानी कि महामारी के दौरान, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान, वो देश जो सबसे जरूरतमंद है, मोस्ट इन नीड, जो सबसे जरूरतमंद है, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वहां पर गंभीर रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं, प्रतिक्रियात्मक प्रयास, ठीक है, उसके लिए फंडिंग, अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत है 675 मिलियन डॉलर का। और वो जो है WHO मांग रही है उस समय, एट ए टाइम, उस समय US प्रेसिडेंट का जो है, मतलब कि US प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्या किए हैं? हैज डन द अनथिंकेबल। उसने जो है एक ऐसा कार्य किया है जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और वो कार्य क्या है अब उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, हॉल्टिंग फंडिंग, हॉल्ट मतलब रोक लेना, ठीक है, हॉल्टिंग फंडिंग, फंडिंग मतलब धन जो देते हैं आप किसी को फंड करते हैं, तो हॉल्टिंग फंडिंग टू WHO यानी कि WHO को फंड रोक देना, वाइल अ रिव्यू इज कंडक्टेड, जबकि समीक्षा किया गया है या समीक्षा किया जाना है, टू एसेस इट्स रोल। इट्स किसके लिए है? तो WHO के लिए। एसेस का मतलब क्या होता है? आकलन करना, समीक्षा करना। ठीक है, तो वाइल, जबकि अ रिव्यू इज कंडक्टेड, जबकि एक समीक्षा जो है वो किया जाना है, टू एसेस इट्स रोल, यानी कि इसके जो भूमिका है, WHO की भूमिका है किस चीज को लेकर, किस चीज में? इन सीवियरली मिसमैनेजिंग, यानी कि बद इंतजामी करने, गंभीर रूप से बद इंतजामी करने को लेकर जो उनकी भूमिका है उसको एसेस करना है। ठीक है, और उसके लिए समीक्षा बैठाई गई है।
रिव्यू को बैठाई गई है. वेल अ रिव्यू इज कंडक्टेड टू एसेस इट्स रोल इन सीवियरली मिसमैनेजिंग एंड कवरिंग अप. कवर अप का मतलब होता है छुपाना किसी चीज़ को, उसको कवर अप कर देते हैं, मतलब उसको छुपा लेते हैं, उसको ढक लेते हैं. वो कवर अप क्या कर रहा है? द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि ये कोरोना वायरस जो वुहान में, चीन के वुहान में फैल रहा था, तो उसका जो फैलना यानी कि स्प्रेड करना यानी कि प्रसार करना, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा था. उस तो उसमें जो उसकी भूमिका है यानी कि WHO की भूमिका है, उसके लिए रिव्यू कंडक्ट किया जाना है या इज कंडक्टेड. वेल रिव्यू इज कंडक्टेड टू एसेस मतलब उसकी समीक्षा या उसका आकलन. इट्स रोल, इट्स मतलब WHO का जो रोल है, जो भूमिका है, किस चीज़ में? इन सीवियरली मिसमैनेजिंग में एंड कवरिंग अप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. और किसके लिए? एंड फॉर फेलिंग टू एडिक्वेटली ऑब्टेन, ठीक है, और असफल होने के लिए. मतलब ये WHO असफल हो गई क्या करने में? पर्याप्त रूप से ऑप्टेन करने में, प्राप्त करने में. वेट, वेट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? जांच करना. वेट का एक मतलब क्या होता है? वेटनरी होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है ना, पशु चिकित्सक. लेकिन वर्ब में जो होता है उसका मतलब होता है टू एग्जामिन समथिंग और समवन केयरफुली टू मेक सर्टेन दैट दे आर एक्सेप्टेबल और सूटेबल. किसी भी चीज़ की जांच करना और किसी भी लोग की, मतलब व्यक्ति की जांच करना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि वो एक्सेप्टेबल है या सूटेबल है. एक उदाहरण देखते हैं इसमें. ड्यूरिंग द वार, वार के समय गवर्नमेंट जो है सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स का एग्जामिन करती थी बिफोर दे वर पब्लिश्ड. उसके पहले कि वो पब्लिश्ड हो, उससे पहले वो सारा एग्जामिन करती थी, ठीक है. द बैंक केयरफुली वेट्स एवरीवन, बैंक जो है केयरफुली तरीके से जांच करती है सभी को जो अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है. और देखिए एक चीज़ और, फैशन की भी बात हुई थी वहाँ पर, इन अ ट्रांसपेरेंट और इन अ टाइमली मैनर. तो फैशन जो होता है, एक तो हम लोग जानते हैं कि ये फैशन में ट्रेंड में है, यानी कि एक तो ये होता है ट्रेंड और एक होता है आपका स्टाइल के रूप में. लेकिन एक फैशन का मतलब मैनर, तरीका भी होता है, अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है. तो उसका एक उदाहरण हम यहाँ पर डाले हैं. द रिवेल आर्मी, यानी कि जो विद्रोही आर्मी है, बिहेव्ड इन अ ब्रूटल फैशन. वो जो है बड़ा ही क्रूरात्मक, मतलब क्रूर तरीके से जो है वो बिहेव किया, ठीक है. फैशन का एक वर्ब भी होता है, यानी कि टू मेक समथिंग यूजिंग योर हैंड्स, यानी कोई भी चीज बनाना अपने हाथों से, यानी कि ही फैशन्ड अ हैट फॉर हिमसेल्फ. उन्होंने, उसने अपने लिए एक हैट, एक टोपी बनाया आउट ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर से जो है उसने, मतलब न्यूज़पेपर के से उसने अपने हाथों से एक टोपी बनाया. तो आप ये समझ गए, इसका जो एक सिनोनिम्स होता है वो होता है फोर्ज. तो आगे बढ़ते हैं. तो कहा क्या रहा है? फेलिंग टू एडिक्वेटली ऑप्टेन, यानी कि वो जो है WHO जो है फेल हो गया, असफल हो गया पर्याप्त रूप से ऑप्टेन करने में, प्राप्त करने में. क्या प्राप्त करने? सूचना प्राप्त करने में. वेट करने में, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को सही से एग्जामिन करने में और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, साझा करने में. इन ए टाइमली, मतलब कि समय पर, सही समय पर. एंड ट्रांसपेरेंट, और पारदर्शी तरीके से. ट्रांसपेरेंट फैशन, फैशन अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द डिसीजन कम्स अ वीक आफ्टर ही फर्स्ट थ्रेटन टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड. अब देखिए, ऑन होल्ड या टू पुट समथिंग ऑन होल्ड का मतलब होता है टू डिले करना, ठीक है. यानी कि कोई भी चीज को आप डिले करते हैं, ठीक है. तो ऑन होल्ड या पुट समथिंग ऑन होल्ड का मतलब डिले करना. जैसे द मूवी हैज बीन पुट ऑन होल्ड, मूवी को डिले कर दिया गया अनटिल द फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव्स. जब तक फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सही नहीं हो जाता है, तब तक मूवी को डिले कर दिया गया. समझ गए आप बात को? तो आगे बढ़ते हैं. तो डिसीजन कम्स अ वीक आफ्टर ही फर्स्ट फ्रेटन, यानी कि ये जो निर्णय आया है अभी हॉल्ट करने का, तो ये डिसीजन आया है जस्ट एक सप्ताह बाद, जब उसने पहली बार थ्रेटन किया था, चेतावनी दी थी टू पुट फंडिंग ऑन होल्ड, कि वो जो है फंडिंग को रोक देगा, डिले कर देगा, पोस्टपोन कर देगा फॉर द ग्लोबल हेल्थ बॉडी. ये जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी जो है, जो वैश्विक स्वास्थ्य निकाय है यानी कि WHO, उसके लिए जो है फंडिंग को वो
होल्ड कर देगा। होल्ड कर देगा मतलब उसको रोक देगा, रोकने के सेंस हम ये कह रहे हैं, मतलब उसको जरा सा डिले कर देगा, ठीक है। एट ओवर 500 मिलियन डॉलर, यानी कि 500 मिलियन डॉलर से अधिक, ठीक है, 500 मिलियन डॉलर का रकम से अधिक द यूएस इज WHO's बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, यानी कि 500 मिलियन डॉलर देने के साथ या 500 मिलियन डॉलर के साथ जो है यूएस जो है WHO का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, योगदान करता है, मतलब योगदान देता है 500 मिलियन डॉलर का। ये अमेरिका इज ऑल्सो द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, अमेरिका जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित, सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कंट्री भी है। ओवर 0.6 मिलियन केसेस, यानी कि लगभग 6 लाख केसेस हैं या मामले हैं, एंड नियरली 6 लाख से ज्यादा, ओवर है मतलब ज्यादा, एंड नियरली और लगभग, नियरली मतलब लगभग 26,000 डेथ्स, और लगभग 26,000 मौतें हैं, ठीक है ना। बट हॉल्टिंग फंडिंग एट अ क्रूशियल टाइम विल नॉट ओनली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबल बॉडी बट ऑल्सो हर्ट ह्यूमैनिटी। हम यहाँ पर एक शब्द देखेंगे, यहाँ पर फंक्शनिंग, आपने फंक्शन का तो नाम सुना होगा, फंक्शन का जो मतलब होता है वो होता है ऑपरेट करना या वर्क करना। जैसे आप कह सकते हैं कि आई डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली टूडे, या माई कंप्यूटर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली टूडे, तो यहाँ पर जो वर्ब के रूप में आता है, लेकिन फंक्शनिंग जो यहाँ पर यूज है वो नाउन के रूप में है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो द एबिलिटी, यानी कि ये क्या होता है, आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता ऑफ समथिंग, किसी चीज की टू वर्क करेक्टली, अच्छे से वो वर्क करे, फंक्शनिंग, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, इसका साइनो हो सकता है स्किल, टैलेंट और एबिलिटी, ठीक है। तो ये जो फंक्शनिंग है, बट हॉल्टिंग फंडिंग एट ए क्रूशियल टाइम, एक ऐसा समय में, एक महत्वपूर्ण समय में, एक गंभीर समय में हॉल्ट कर देना, रोक देना फंडिंग को, धन को, विल नॉट ओनली इम्पैक्ट, ना केवल ये प्रभावित करेगा, विल नॉट ओनली इम्पैक्ट, ना केवल ये प्रभावित करेगा किस चीज को, द फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोबल बॉडी, यानी कि जो ये जो ग्लोबल बॉडी है, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य निकाय जो है, WHO जो है, उसके फंक्शनिंग को, उसके कामकाज के तरीके को, उसके एबिलिटी को, ठीक है, काम करने का, बल्कि बट ऑल्सो बल्कि यह जो है मानवता को जो है ये हर्ट करेगा, यानी कि नुकसान पहुंचाएगा। मेनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत सारे निम्न और मध्यम आय के जो देश हैं, दैट लुक अप टू WHO, जो देखते हैं आशा भरी नजरों से WHO की तरफ, किसके लिए, फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस, मार्गदर्शन के लिए और सलाह के लिए, एंड इवन फॉर एसेंशियल सच एज टेस्टिंग किट्स एंड मास्क, और यहाँ तक कि कुछ आवश्यक चीजों के लिए, जैसे कि टेस्टिंग किट्स यानी कि परीक्षण किट्स और मास्क के लिए भी, विल बी बैडली हिट, ये जो कंट्रीज हैं वो क्या होंगे, बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, जिसके लिए उसकी कोई गलती नहीं है, विथ अ लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेस, यानी कि 2 मिलियन केसेस, यानी कि 20 लाख मामले से भी कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा, अ लिटिल ओवर मतलब ओवर तो ज्यादा हो गया, लेकिन अ लिटिल मतलब कुछ ज्यादा, विथ अ लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेस, मतलब 20 लाख लोग, 20 लाख मामलों से कुछ ज्यादा, और ओवर 1,27,000 डेथ्स ग्लोबली, वैश्विक रूप से, यानी कि विश्व स्तर पर, पूरे विश्व में 1,27,000 मौत से भी ज्यादा, ठीक है ना, उसके साथ, मतलब कि विद अ लिटिल ओवर 2 मिलियन केसेस एंड ओवर 1,27,000 डेथ्स ग्लोबली, विश्व स्तर पर जो है 2 मिलियन केसेस से कुछ ज्यादा और 1,27,000 डेथ से ज्यादा के साथ, आज जो पैंडेमिक है, ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं हम लोग, COVID-19 के नाम से जानते हैं, वो जो है रहा हैज बीन, देखिए इज अनप्रेसिडेंटेड नहीं है यहाँ पर, हैज बीन, क्योंकि ये शुरुआत जब से हुई है और अभी तक
ठीक है। तो कोई भी चीज़ को जब मान लीजिए कोई शुरुआत करते हैं और उसका जो मतलब कोई पास्ट में मतलब कि शुरू होती है, स्टार्ट होता है, और उसका जो असर, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो एक्शन का, वो अभी तक चला आ रहा है, तो उसमें हैज बीन डालते हैं। द पेंडेमिक हैज बीन अनप्रिसिडेंटेड इन स्केल, ये अपने स्तर पर, ठीक है ना, अपने स्केल पर, अपने पैमाने पर ये अनप्रिसिडेंटेड रहा है। इस मतलब इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। वेन सॉलिडेरिटी एंड अनमिटिगेटेड सपोर्ट, यानी कि सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता, और अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का यूज जो करते हैं जनरली हम जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब जो होता है कंप्लीट होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं अनमिटिगेटेड का मतलब क्या होता है। मिटिगेटेड का सबसे पहले तो आप जान लीजिए मिटिगेट का मतलब क्या होता है। मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, लेस अनप्लीजेंट, यानी कोई भी चीज को कम हार्मफुल बनाना या कम उसको क्या कहते हैं उसको आप वो अनप्लीजेंट बनाना, ठीक है। तो अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि पूरी तरह से, और ये हर हमेशा किसके बारे में बताता है, ऑफन डिस्क्राइबिंग समथिंग बैड और अनसक्सेसफुल दैट हैज नो गुड और पॉजिटिव पॉइंट, जिसमें कोई भी अच्छा या उसमें सकारात्मक पॉइंट्स नहीं मिलता है। उदाहरण देखते हैं, द होल वेंचर हैज बीन एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर, ये पूरा का पूरा जो वेंचर है, जो उद्यम है, वो क्या रहा है, अनमिटिगेटेड डिजास्टर रहा है, मतलब कि वो कंप्लीट डिजास्टर रहा है। तो ठीक है, हमने क्या समझा इसका, इसका मतलब है कंप्लीट, और इसको जनरली हम यूज करते हैं किसके रूप में, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। तो हम थे कहाँ पर, जब वेन सॉलिडेरिटी एंड अनमिटिगेटेड सपोर्ट, यहाँ पर अनमिटिगेटेड सपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव रूप में यूज किया गया, हालांकि लेकिन हम लोग जो इसका यूज होता है वो हर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वे में यूज किया गया, ये बात याद रखिएगा। तो व्हेन सॉलिडेरिटी एंड अनमिटिगेटेड सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट इज नेसेसरी, जब एकजुटता और कंप्लीट सपोर्ट कहाँ से, प्रत्येक मेंबर स्टेट से, प्रत्येक सदस्य राज्यों से, सदस्य राष्ट्रों से जो है ये अनमिटिगेटेड सपोर्ट और सॉलिडेरिटी जरूरी है, इज नेसेसरी, किस लिए जरूरी है, टू विन द वॉर अगेंस्ट द वायरस, वायरस के खिलाफ, यानी कि ये महामारी के खिलाफ जो जंग है उसको जीतने के लिए। उस समय विथहोल्डिंग करना फंडिंग को, विथहोल्डिंग मतलब रोक लेना, तो विथहोल्डिंग फंडिंग विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है ना। तब उस समय जो है जब सॉलिडिटी और अनमिटिगेटेड सपोर्ट की जब आवश्यकता है ये जंग जीतने के लिए वायरस के खिलाफ, तो फंडिंग को रोक लेना विल नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, तो ये किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा, द यूएस इंक्लूडेड, जिसमें यूएस भी शामिल है। फेलियर्स ड्यू टू ओवरसाइट और अदर रीजंस बाय WHO और मेंबर स्टेट्स कैन ऑलवेज बी लुक्ड इनटू बट नॉट इन द मिड्स ऑफ अ पेंडेमिक। यहाँ पर कुछ दो शब्द आपको हम दो तीन शब्द हैं यहाँ पर जिसको आप देखना पसंद करेंगे। ओवरसाइट, एक तो ओवरसाइट होता है, एक लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब हम आपको बता देते हैं किसी भी चीज को जांच करना, किसी भी चीज पे एकदम गहराई से उसको जांच करना, लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है ना। मिड्स मतलब के बीच में, ठीक है। तो अब हम सबसे आपको जो है ओवरसाइट के बारे में बताते हैं। पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं, ओवरसाइट का दो मतलब होता है। पहले तो ओवरसाइट का जो मतलब होता है वो आप जान लीजिए, ये कैसे निकला है, ओवरसी, ओवरसी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ओवरसीयर का नाम सुने होंगे, जो किसी भी काम को जो है सुपरवाइज करता है, ठीक है ना, उसको देख रेख करता है, निरीक्षण करता है, ठीक है, ओवरसी से ही ओवरसाइट बना है, ठीक है। तो आइए ओवरसाइट का दो मतलब होता है, ये पहले आप जान लीजिए। एक तो होता है अ मिस्टेक मेड बिकॉज ऑफ अ फेलियर टू नोटिस समथिंग, यानी कि चूक हो जाना, यानी कि आपसे चूक हो जाना, भूल हो जाना। दे क्लेम्ड इट वॉज सिंपली ऑन ओवरसाइट, उन्होंने दावा किया कि ये एकमात्र जो है ओवरसाइट है, एक मतलब कि एक चूक है, गलती से हो गई है, नोटिस नहीं किया गया, ओवरसाइट जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। और एक दूसरा मतलब जो होता है वो होता है निगरानी के सेंस में, देख रेख के सेंस में, यानी कि सिस्टम्स और एक्शंस टू कंट्रोल ऑन एक्टिविटी एंड मेक श्योर दैट इट इज डन करेक्टली एंड लीगली, यानी कि सुपरवाइज करना, सुपरविजन, ठीक है। देखिए एक उदाहरण देते हैं, इन कॉमोडिटी ट्रेडिंग, यानी कि कॉमोडिटी ट्रेडिंग में की गुड्स जो मुख्य सामान होते हैं, जैसे कि
ऑयल हो गया या यूरेनियम हो गया, वो ट्रेड किए जाते हैं विद ऑलमोस्ट नो ओवरसाइट, जिसमें कोई भी निगरानी नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और है लॉ मेकर्स, यानी कि जो लॉ मेकर्स कौन होते हैं, जैसे एमपी हो गए हैं, एमएलए हो गए हैं, ये लॉ मेकर्स होते हैं जो कानून बनाते हैं। आर क्वेश्चनिंग, वो प्रश्न उठा रहे हैं वेदर द इंडस्ट्री नीड्स मोर गवर्नमेंट ओवरसाइट, कि क्या इंडस्ट्री को जरूरत है गवर्नमेंट की निगरानी की। तो यहाँ पर ओवरसाइट का मतलब हो गया क्या, ए सिस्टम और एक्शन टू कंट्रोल द एक्टिविटी एंड मेक श्योर दैट इट इज डन करेक्टली एंड लीगली। ठीक है, आप समझ गए ओवरसाइट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो है क्या है, फेलियर्स ड्यू टू ओवरसाइट और अदर रीजंस, ये जो असफलता है, जो विफलता है, किसके कारण, ओवरसाइट के कारण, जो चूक हो गई है, मान लीजिए किसी तरह से वो नोटिस नहीं कर पाया, या फिर कुछ अन्य कारणों से, अदर रीजन से, बाय WHO, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, या फिर मेंबर स्टेट्स के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों के द्वारा, कैन ऑलवेज बी लुक्ड इनटू, उस पर जांच की जा सकती है, उस पर जो है उसको गहन तरीके से देखा जा सकता है, बट नॉट इन द मिड्स ऑफ अ पैंडेमिक, लेकिन अभी महामारी के बीच में नहीं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मिस्टर ट्रंप क्लेम्स, जो कुछ भी मिस्टर ट्रंप दावा करते हैं उसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है उसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट, व्हाट मतलब जो, जो भी मिस्टर ट्रंप दावा करते हैं उसके विपरीत, WHO cannot independently investigate. WHO जो है कभी भी, यानी कि स्वतंत्र रूप से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, WHO cannot independently investigate, but can only rely on, बल्कि, यानी कि बल्कि या लेकिन वो जो है WHO जो है केवल रिलाई कर सकती है, यानी कि भरोसा कर सकती है ऑन इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स पर, यानी कि व्यक्तिगत या अलग अलग सदस्य राष्ट्रों पर, टू शेयर इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना को साझा करने के लिए, उससे शेयर करने के लिए। देयर हैज नॉट बीन वन इंस्टांस व्हेन इट हैज बीन फाउंड कवरिंग अप द एपिडेमिक इन चाइना, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला है, ये इंस्टांस मतलब उदाहरण, तो देयर हैज नॉट बीन वन इंस्टांस, एक भी उदाहरण नहीं है, व्हेन, जब इसने ये पाया गया है, व्हेन इट हैज बीन फाउंड, जब ये पाया गया हो कवरिंग अप द एपिडेमिक, एपिडेमिक को कवर अप करते हुए या उसको ढकते हुए चाइना में। तो यहाँ कवरिंग अप जो है इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना, करते हुए, जब ये पाया गया हो करते हुए एपिडेमिक को कवर अप चाइना में, ठीक है। रादर मतलब यहाँ बल्कि, इट हैज बीन कंटिन्यूअसली अर्जिंग कंट्रीज, बल्कि यह जो है, इट मतलब WHO, ये जो है लगातार कंटिन्यूअसली अर्जिंग, आग्रह करता रहा है किसको, देशों को, राष्ट्रों को, टू एग्रेसिवली, कि आक्रामक तरीके से वो टेस्ट करे, ठीक है, लोगों को जिसमें लक्षण पाए गए हैं, एग्जिबिटिंग सिम्टम्स, यानी कि हु एग्जिबिट सिम्टम्स, जो जिसमें लक्षण मिलते हैं, या एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना, ठीक है, तो एग्जिबिटिंग सिम्टम्स एंड ट्रेस, और उनका पता करे, मतलब कि कंट्रीज को आग्रह कर रहे हैं कि वो ट्रेस करे एग्रेसिवली, आक्रामक तरीके से, ट्रेस मतलब पता करे, क्वारंटाइन करे उनको, ठीक है ना, अलग थलग करे, और टेस्ट करे, एंड टेस्ट कॉन्टेक्ट्स और संपर्कों को भी टेस्ट करे, ताकि इसके स्प्रेड को, यानी कि वायरस के स्प्रेड को, वायरस के प्रसार को कंटेन किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, राइट। इट मतलब WHO रिपीटेडली स्पोक ऑफ द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आपको हम ये बता दें कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अवसरों का खिड़की, नहीं, ये मतलब कि लिटरल आप इसको ट्रांसलेट नहीं कीजिए, इसका मतलब होता है आपके पास ऐसा अवसर जो बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है
और आपको तुरंत उस पर काम करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेज है, इफ यू से दैट देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर समथिंग यू मीन दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बट दैट दिस अपॉर्चुनिटी विल ओनली लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, केवल ये जो है कुछ ही समय के लिए रहेगा, एंड सो इट नीड्स टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ क्विकली, इसलिए जो है जरूरी है इसका लाभ उठाया जाए तुरंत ही। एक उदाहरण देख लेते हैं। द किंग सेड, किंग ने कहा, देर वॉज नाउ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीस, शांति के लिए एक अवसर है जो कि हो सकता है तुरंत खत्म हो जाए। तो इट रिपीटेडली स्पोक ऑफ द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसने बार बार किसके बारे में कहा था, अवसर के बारे में, एक ऐसा अवसर जो कभी भी खत्म हो सकता है। एंड वंस वार्न्ड, और एक बार इसने चेतावनी भी दी थी, दैट इट इज नैरोइंग, कि यह जो है सिकुड़ता जा रहा है, यह खत्म होता जा रहा है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, WHO हैज बीन अगेंस्ट ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग आउटब्रेक्स, यानी कि WHO जो है वो रहा है खिलाफ, किसके खिलाफ रहा है, ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग आउटब्रेक्स। यहां से आप समझिए, वो कंट्री जहां पर आउटब्रेक्स देखा जा रहा है, जहां पर आउटब्रेक्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, आउटब्रेक्स यानी कि प्रकोप, महामारी का प्रकोप जहां पर एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वहां पर ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाना उसके खिलाफ रहा है। मतलब कि WHO कभी भी ये नहीं चाहता था कि जहाँ पर भी आउटब्रेक हुआ है, जहाँ पर ये जो वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे COVID-19 का जो स्प्रेड हुआ वुहान में, तो WHO कभी भी ऐसा नहीं चाहा है, ये मतलब ऐतिहासिक रूप से, कि वो जो है ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाए किसी भी कंट्री के खिलाफ जहाँ पर ये चीज़ जो हो रहा है, ठीक है। तो WHO हैज़ बीन अगेंस्ट, हिस्टोरिकली WHO हैज़ बीन अगेंस्ट ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि WHO जो है हर हमेशा से क्या रहा है, अगेंस्ट रहा है ट्रेवल और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के, यानी कि जो ट्रेवल और ट्रेड यानी कि यात्रा और व्यापार का जो प्रतिबंध है उसके खिलाफ रहा हैज़ बीन अगेंस्ट, यहाँ पर इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि ये नेगेटिव बता रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि इसके वो चाहती है कि वो ट्रेड ऑन ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन लगाए, ये खिलाफ रहा है, यानी कि WHO हैज बीन अगेंस्ट ट्रेवल एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, किसके खिलाफ, उन कंट्री के खिलाफ जो कहीं पर कहीं ना कहीं उसको आउटब्रेक वहां पर सामना करना पड़ रहा है, एक्सपीरियंसिंग आउटब्रेक्स, एंड इट्स पोजिशन, और इसका जो पोजिशन, इसकी जो स्थिति है, इसका जो स्टैंड है, वॉज नॉट डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग नहीं था, वैन इन जनवरी, जब ये जनवरी में जो है इसने डिक्लेयर किया था COVID-19 को, ठीक है ना, किसके रूप में, अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, एक आपातकाल के रूप में, आम स्वास्थ्य के लिए, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विषय के बराबर का था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चिंता के स्तर का था। बट इट डिड सपोर्ट चाइनाज लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर्स, मिटिगेशन मेजर्स का को पहले समझ लीजिए, मिटिगेशन मेजर्स जो होता है समन उपाय, यानी कि किसी चीज को रोकने का, किसी चीज को कम करने का जो उपाय किया जाता है, ठीक है। तो इसने जो है, यानी कि बट इट इट मतलब WHO, तो इसने जो है सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था, सपोर्ट किया था किसको, चाइना का लार्ज स्केल मिटिगेशन मेजर्स को, यानी कि चाइना के द्वारा जो है बड़े युद्ध स्तर पर या बड़े स्तर पर जो है मिटिगेशन मेजर्स जो किए जा रहे थे, कम करने के जो उपाय किए जा रहे थे ताकि वायरस स्प्रेड को कंटेन किया जा सके, उसको उसने सपोर्ट किया था WHO ने। फॉल्टिंग WHO, फॉल्ट का मतलब जानते हैं, गलती होता है, ठीक है, तो फॉल्टिंग यहाँ जो है यहाँ वर्ब के रूप में है, यानी कि ये जिरंड है, फॉल्टिंग WHO फॉर इमेजिनरी फेलिंग्स, काल्पनिक असफलता या विफलता के लिए WHO को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, फॉल्टिंग का मतलब यहाँ पर आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग करना WHO को फॉर इमेजिनरी फेलिंग्स, फेलिंग्स मतलब असफलता विफलता, कैन नॉट हेल्प मिस्टर ट्रंप, वो मदद नहीं कर सकता है मिस्टर ट्रंप को, वॉश हिज हैंड्स ऑफ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स इन कंटेनिंग द एपिडेमिक, यानी कि एपिडेमिक को, ये जो महामारी है उसको नियंत्रण करने में जो उनके द्वारा या उनका उनके बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हुए हैं, जो प्रशासनिक जो असफलता हुई है उससे वो अपना हाथ नहीं धो सकते हैं,
तो ये जो आप WHO को केवल जिम्मेदार ठहराएं, उसको क्रिटिसाइज करें इमेजिनरी फेलिंग्स के लिए, काल्पनिक फेलिंग्स यानी कि जो हुआ ही नहीं है, कैन नॉट हेल्प, ये मदद नहीं कर सकता मिस्टर ट्रम्प को हाथ धोने से उन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से जो एपिडेमिक को कंटेन करने के लिए किया गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है जो आज केसेस जो है 26,000 लगभग लोग मारे गए हैं US में, तो वो एपिडेमिक जो कंटेन किया जाना था वहाँ पर वो शुरुआत में की नहीं गई थी। तो वो उससे वो जो है वो बेसिकली जो है वो ट्रम्प का फेलियर था, ठीक है। तो फॉल्टिंग WHO फॉर इमेजिनरी फेलिंग्स कैन नॉट हेल्प मिस्टर ट्रम्प, ये मदद नहीं कर सकता मिस्टर ट्रम्प को अपने हाथ धोने से। किस चीज से? यहाँ पर ऑफ मतलब से, ठीक है ना, का नहीं होगा, हैंड्स ऑफ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स से, ठीक है, इन कंटेनिंग द एपिडेमिक, एपिडेमिक को कंट्रोल करने से, कंटेन करने से। ही हैज बीन ब्लेमिंग एवरीवन एल्स फॉर हिज शॉर्टकमिंग्स इन डीलिंग विद COVID-19। वो जो है करते रहा है ब्लेमिंग, सबको दोषारोपण करते रहा है, सब पर दोष लगाते रहा है, एवरीवन एवरीवन एल्स, सब पर यानी कि एवरीवन एल्स अपने छोड़कर सब पर, फॉर हिज शॉर्ट कमिंग्स अपने कमियों को लेकर, ठीक है। उसकी कमी क्या थी? शॉर्ट कमिंग्स इन डीलिंग विद COVID-19 यानी कि COVID-19 से जूझने में, COVID-19 के साथ डीलिंग करने में यानी कि डील विद करने मतलब उससे जूझने में जो उसकी कमियां हैं, ठीक है ना, उसके लिए वो सबको ब्लेम करता रहा है। बट मूविंग बियॉन्ड ब्लेमिंग यानी कि ब्लेमिंग से आगे बढ़कर एंड एक्चुअली विथहोल्डिंग WHO फंडिंग, और वास्तव में जो है WHO फंडिंग को रोक कर, ठीक है ना, या रोकना कैन हैव डिजास्ट्रस आउटकम्स, उसका जो है बड़ा विनाशकारी परिणाम हो सकता है, ठीक है ना, कैन हैव डिजास्ट्रस आउटकम्स इफ इंडीड ही फर्वेंटली बिलीव्स, यदि वो सचमुच में, इंडीड में सचमुच में ही वो फर्वेंटली बिलीव्स, वो मानता है, फर्वेंटली मतलब सिंसियरली मतलब बड़ा फीलिंग्स के साथ, ठीक है ना, वो मानता है, बिलीव्स मतलब मानता है कि दैट द US हैज बीन मिसलेड, कि US को जो है भ्रमित किया गया है, ठीक है, अगर वो मानता है सचमुच में इट इज चाइना, तब ये चाइना है दैट ही जिसको उस दैट ही मस्ट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिलेड अलर्ट, जिसको कि वो जिम्मेदार ठहराना चाहिए यानी कि चाइना को, किसके लिए? फॉर अ डिलेड अलर्ट, देरी से जो अलर्ट करने के लिए चाइना को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। प्रीवियसली पहले ही प्रेज्ड बोथ चाइना एंड WHO, पहले जो है उसने चाइना और WHO दोनों की प्रशंसा की थी। ऑब्वियसली जाहिर है द चेंज इन लाइन, ये जो लाइन में जो चेंज है यानी कि उनके वक्तव्य में भी चेंज जो है, जो उनके स्टेटमेंट में जो चेंज है, इज लिंक्ड टू अ डेस्परेट बीट, ये जुड़ा हुआ है उसके हताश हताशा भरा कोशिश से, बीट मतलब कोशिश से, टू हाइड हिज ओन फेलियर्स, अपने फेलियर्स को छुपाने का जो कोशिश है हताशा भरा, ठीक है, डेस्परेट मतलब हताशा भरा, उससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।